This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tarique, Javed. Nazin, Jumrat ko jo action liya gaya PSX ke khilaaf, very unnecessary, unwarranted, unliked. Usne ek panic create kiya aur uske baad se humne dekha hai ki jume ko bhi market giri hai, aaj bhi giri hai. Kyunki ek jo usko kala kanun to main nahi kahunga, lekin kahunga ki hai ye kanun sahi nahi hai is lihaz se ki under section clause 511.1c of PSX regulation. ये क्लॉज उन्होंने पीएसएक्स ने बनाया हुआ है जिसके तहत कोई भी लेंडर या शेयर होल्डर जिसके पास 10% का स्टेक है अगर वो ये समझता है कि जो कंपनी में उसने स्टेक लिया हुआ है वो कंपनी ठीक से नहीं मैनेज हो रही है या जो मैनेजमेंट है वो उसको वहाँ चोरी कर रही है या पैसे निकाल के भाग रही है वो कोर्ट पर जाके कह सकता है कि साहब इसके कारोबार को बंद किया जाए इसको इस ट्रेडिंग को रोका जाए उसी क्लॉज को यूज़ करके पेस को जुमरात को प्लेस किया गया अंडर दिस सस्पेंशन लेकिन बाय आफ्टरनून ऑफ फ्राइडे जिस बैंक ने ये रिक्वेस्ट की थी अस्करी उसने एक क्लीन चेट ऑफ लेटर दे दिया कि जी हमारी तो निगोसिएशन हो गई वो जो 32 करोड़ रुपया जिस पे ये लड़ाई थी वो शायद कोई ना कोई सेटलमेंट हो गई है उसके तहत ये रिलैक्सेशन तो उठ जाएगी आज ही उठ जाएगी या कल उठ जाएगी लेकिन इन द मीन टाइम बहुत बड़ी तादाद में जो शेयर होल्डर्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और हम ये सवाल उठाते हैं कि क्यों आप ऐसा आपने एक छोटी सी कंपनी को छोटे से डिफॉल्ट पे इतना बड़ा क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जबकि हम जानते हैं कि इसी मार्केट में ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने अरबों रुपये के नुकसान बैंक को दिए और वो बैंक वो कंपनियाँ चल रही हैं ये हम बात करेंगे अभी हम आते हैं कि क्या हुआ उसका नतीजा फाइनल रिजल्ट क्या है जी हमारे साथ दिखाइएगा फाइनल क्लोजिंग क्या आई अच्छी खासी मार्केट चलती हुई मार्केट को इन्होंने एकदम से एक ब्रेक मारा है क्योंकि मेरी कंपनी में अगर मैं 10% शेयर बेच दूं तो मेरा अगर कोई दुश्मन आके खरीद ले मेरी कंपनी को बंद कर दे कहे तारिक चोर है वाह 90% मेरा पैसा और 10% वाला कहे कि मैं चोर हूँ जनाब आपके पास ग्राफ आ चुका है 100 में हम 586 का लॉस देख रहे हैं एट वन पॉइंट ये 651 भी रहा है एट 330 तो आखिर में थोड़ी सी बेहतरी आई है थर्टी में जनाब 310 की लॉस है 51,360 पे आ गई मार्केट All shares 367 कह सकते हैं 30,565 के लेवल पे आ गई मार्केट कंपनीज जिसमें काम हुआ उसका ग्राफ दिखाइएगा हमारा सब टोटल कंपनीज जिसमें काम हुआ 344 है जिसमें से एडवांसिंग 101 डिक्लाइनिंग 231 अनचेंज्ड 12 जनाब अगर इसी तरह आप लोग मार्केट को तबाही की तरफ कोशिश करते रहेंगे कि बार बार तबाह हो जाए तो वाकई तबाह हो जाएगी ये मार्केट बंद हो जाएगी और ये ब्रोकर्स वगैरह जो है ना छोड़ के चले जाएंगे मुल्क छोड़ देंगे या कोई काम और कर लेंगे इतनी अच्छी चलती हुई मार्केट पे दो दिन में जो आपने झटके मारे उसका एक नतीजा तो ये हुआ कि फिर से इन्वेस्टर भाग गया और आज जो है सिर्फ 130 मिलियन का काम हो रहा है हुआ है कहाँ 350 मिलियन का काम हो रहा था आपने एकदम से ब्रेक मार दिया तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है इन्वेस्टर्स आर स्केयर्ड कि पता नहीं कौन सी कंपनी कब सस्पेंड हो जाए कौन सी कंपनी दुनिया में है जिसके बैंक से इश्यूज नहीं है या सप्लायर से इशू नहीं है या लेंडर से इशू नहीं है हर कंपनी के होते तो कोई भी मेरा सप्लायर मुझे मेरी कंपनी बंद कर दे कोई भी मेरा लेंडर मेरी कंपनी बंद कर दे कोई भी मेरा 10% शेयर होल्डर बंद कर दे ऐसे वो चलती है दुनिया यहाँ अंधा कानून चल रहा है और इसीलिए इस पाकिस्तान का ये हाल है नहीं तो ये 100 1 लाख की मार्केट है ये मेरी मैं दावा करता हूँ
अगर यहाँ पे सही हो जाए सब कुछ। जनाब वॉल्यूम लीडर में आज एसगार्ड 9 है विद 19.15, थोड़े से शेयर में ही एसगार्ड 9 टॉप पे आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है बिल्कुल ही काम है, टीआरजी में सिर्फ 8.6 का काम हुआ, वो भी सेकंड टॉप वॉल्यूम लीडर है जनाब। PIAC/A वहाँ पे 6 मिलियन का काम हो गया। पाक इलेक्ट्रॉन में 4.4 का काम हुआ है। आयशा स्टील में 5.1 का काम हुआ है। टॉप गेनर बनेरो टेक्सटाइल 39.99 प्लस, हीनो पार्क में 38 का इजाफा, शीजान XD 23, एक्साइड पाकिस्तान 16, खैबर टोबैको XB 13, लूजर्स में बाटा पाकिस्तान 120 माइनस, पाक टोबैको 107 माइनस, रीथ पाकिस्तान 56 माइनस, सीमेन XD 41 माइनस, जुबली इंश्योरेंस XD 35 माइनस। हमारे साथ समद साहब मौजूद हैं, ए ब्रिलियंट एनालिस्ट। समद साहब, मैंने जो कुछ बात बोली शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगी होगी, लेकिन ये जो अगर इस तरह से होता रहेगा तो कौन सी कंपनी बचेगी जो सस्पेंड ना हो? नहीं, ये इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे रेगुलेटर की इसमें कुछ गलतियां हैं। वो कुछ ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिसमें जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। एक तो ये रूल है 10% वाला, एक तो इतना एक और भी रूल है जो इतना ख़तरनाक है जिसमें कोई 2-3 लाख रुपए की लिस्टिंग फ़ी होती है। वो ना दे तो उस पर बंद हो जाती है। वो ना दे तो अरबों की कंपनी 3 लाख के लिए बंद हो गई। 3 लाख के लिए बंद हो जाती है और उसमें जो है वो बेचारा छोटा इन्वेस्टर जो है वो फंस जाता है। आज जो मेरे पास सुबह को कहा सर वो नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा नज़र नहीं आने का मतलब नहीं कि वो पे स्मॉल ख़त्म हो गया है, पे स्मॉल अपनी जगह ही पर खड़ा है। और ये 32 बिलियन क्या बेचता है भाई? मैंने कहा जिस जगह से बैठ के मैं बोल रहा हूँ, आप भी सब चैनल्स में जाते बताइए ऐसे स्टूडियो कोई है? छोटे छोटे खोखों में लोगों ने खोला हुआ है। बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप एसेस कर सकते हैं कि 3 तलवार पे 2000 गज की ज़मीन, 2 मंजिला, कम से कम 50 करोड़ की, तो यही चीज़ है। नहीं नहीं बिल्कुल, तो इतना हल्का ग्रुप थोड़ी है ये कि आप 32 बिलियन पे आप इसको सस्पेंड किया करेंगे या 3 लाख जो आप बता रहे हैं। नहीं तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल है SEBI को अपने रूल्स को इस तरह देखना चाहिए और ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को इसमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो पिछले दिनों में सस्पेंड हुई हैं। अच्छा, फिर इस फेयर में काफ़ी कंपनीज़ के रेट कितने नीचे आ गए 2-4 दिनों में, तो लोगों ने कहा है कि हमें काम ही नहीं करना। एक सजेशन है, उसको हम विल इन्वेस्टिगेट दैट। वो यही है कि कोई है पार्टी जिसने इस शेयर को गिराता रहा है, उसके बाद सस्पेंड करवाया है, उसके बाद अब जब सस्पेंशन के बाद लोअर रेट पे खुलेगा तो वो खरीदेगा। विल कीप ए वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन और ग्रुप एंड देन वी विल रेज अ केस अगेंस्ट देम एंड वी शुड आल्सो इम्प्लिकेट अस्करी बैंक इन दैट बिकॉज दैट इज अ पार्टी टू दिस। बिल्कुल, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। नहीं नहीं, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि फ्राइडे को जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी अस्करी बैंक की तरफ से कि हमें जो है वो लेटर रिसीव हुआ है और सेटलमेंट हो गई, लेकिन आज भी हमने देखा नहीं उसको ट्रेड होते हुए स्टॉक को। उस लेटर के आने से पहले सुबह को मैंने शो किया, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतने छोटे अमाउंट पे कोई बैंकर पागल हो जाएगा। पागल है एक तो, उसके बाद 6 या 8 प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसकी ठीक ठाक वैल्यू है, और ये उसके कंपेयर ये अमाउंट क्या बनता है? बिल्कुल, किस बुनियाद पर ये कर रहा है? मैं एज ए बैंकर जानता हूँ कि हर कंपनी डिले करती है, हर कंपनी ओवरड्यू हो जाती है, उसका मतलब नहीं कि वो कंपनी ख़त्म हो गई। तो आप उसको हमेशा एक्सटेंशन दे देते हैं, मॉरेटोरियम दे देते हैं, उसमें आप ही का इंटरेस्ट है क्योंकि कंपनी को ख़त्म करके तो कोई फ़ायदा नहीं। और आपने अगर मुझसे कर्जा लिया हुआ है और आपने नहीं दिया, आपको मैं जेल में बंद कर दूँ तो मुझे पैसा मिल जाएगा? नहीं, और फिर दूसरा इससे नुकसान एक्चुअली कंपनी को तो कम होता है, इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो असल परेशान हो जाते हैं कि जिनकी होल्डिंग्स या मार्केट में होती हैं वो छोटे मोटे लोग होते हैं, उन्होंने बड़ा स्टेक लिया हुआ होता है और एकदम से वो जब गिरती है तो बिल्कुल तबाह हो जाता है बेचारे, तबाह। और बात फिर इस सिलसिले में आपको एक लेटर की तरफ ले जाऊंगा। ये लेटर है July 26, 2016 का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये लिखता है नोटिस, मैसेज दीवान सीमेंट लिमिटेड, रिलैक्सेशन अंडर क्लॉज 511.1 ब्रैकेट सी ऑफ PSX रेगुलेशन, फर्दर टू आवर अर्लियर नोटिस नंबर PSX ओसो and the explanation provided by Divan Cement Limited, wherein with a request not to suspend the trading of its shares in the best interest of public. अच्छा, best interest of public में उन्होंने किया है,
तो पेस में बस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नज़र नहीं आया, आपके जो कस्टमर्स तबाह हुए वो पब्लिक नहीं थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, वो एलियंस थे क्या? बिल्कुल, इसमें भाई पार्टी को तो कुछ नहीं हुआ, पार्टी के तो पार्टी तो सॉलिड है, ये कोई हवाई कंपनी तो नहीं है कि कंप्यूटर है कमरा है, नहीं, यहाँ पे तो बिल्डिंग बन रही है, रुक रही है, कोई बिक रहा है कोई नहीं बिक रहा, सब कुछ हो रहा है, कम से कम 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें सब मॉर्गेज इनके पास है ज़्यादातर। क्या भाई क्या उसके इन्होंने, अब देखिए जिसको फेवर देना हो देते, इसलिए हमने कर रहे हैं कि हमने इवेल्युएट किया और हमने पाया कि जी ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने, तो पेस भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की। नहीं इसके अंदर देखें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सही आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई कंस्पिरेसी डेफिनेटली होती है, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो उसको जो है वो बाद में जो है वो पब्लिक छोड़ेंगे पब्लिक होना चाहिए, पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और केस लेकर आएंगे, बहुत बड़ी लायबल का केस कर देंगे बैंक पे और PSX पे भी कि आपने व्हाई यू डिड नॉट गिव अस अ टाइम टू एक्सप्लेन। बिल्कुल, एटलीस्ट आप उस कंपनी को टाइम देना चाहिए, और ये लिस्टिंग फी वाला भी जो मैंने आपको बताया इस क्लॉज को भी बहुत जल्दी सही करने की जरूरत है। क्या होता है यार आजकल के दौर में, उसके बेसिस पे आप लाखों करोड़ों शेयर होल्डर को परेशान कर देंगे। बिल्कुल, आम शेयर होल्डर तो स्क्रीन पे जैसी चीज गई वो कहता है, समझता है कि वो जीरो हो गया, जीरो कंपनी बंद हो गई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी कंपनी है डेनवर इंटरनेशनल, इट्स नॉट इट्स ए प्राइवेट कंपनी, शेयर होल्डर आए गए चेंज होते रहते हैं, लिस्टेड ही नहीं है तो क्या वो कंपनी नहीं है? उसकी एक प्रॉपर्टी है वो नज़र आ रही है, प्रॉपर्टी आप सैटेलाइट से देख सकते हो, तो लिस्टेड नहीं तो हम नहीं है क्या हैं? और कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? कंपनियां लिस्टेड तो बहुत थोड़ी बहुत सी कम है, 560 कुछ है। लेकिन वो एक्चुअली होता ही है कि इससे किसी के शेयर्स हैं उसके उसकी लिक्विडिटी यहाँ फंस जाती है, उससे वो सारा उसका सिस्टम आउट हो जाता है जो एक छोटा इन्वेस्टर काम कर रहा होता है, क्योंकि वो ब्रोकर तो उसको कंसिडर करता है कि अब ये नहीं है, जीरो हो गया। अच्छा कोई बैंक अगर वो सिक्योरिटी लेके बैठा हुआ वो भी तबाह हो गया, वो भी जीरो, बिक तो सकती नहीं है, वो बिक तो सकती नहीं, तो वो ये बड़ा मसला मेरा ख्याल आ जाता है। तो इसको ज़रा SEC को इसको गौर से देखना चाहिए इन रूल्स को, और इस तरह की चीज़ें होते हुए अगर खुदा ना खास्ता किसी कंपनी के साथ कंस्पिरेसी हो रही है तो वो भी देखना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं इस मार्केट के दो दिन की गिरने? देखिए मार्केट में और एक तो लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था, फिर इसके बाद दूसरा जो है लोगों को, लोग जो परेशान हुए हैं वो एक थोड़ा सा अभी आप देखें वो धरने वरने की बातें जो थोड़ी सी स्टार्ट हुई है। अच्छा ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा कसूर का जो मामला हुआ उस दौरान भी हमने दो तीन गिरावट देखी, उस दौरान भी गिरावट देखी, लेकिन एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा बढ़ी थी 5,000 पॉइंट तकरीबन, आप लो से अगर देखें ना सीधी मार्केट 5,000 पॉइंट बढ़ गई थी, तो 5,000 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर मेरे ख्याल 1,500-2,000 पॉइंट निकल गए तो वो कोई इतना कोई बड़ा मसले की बात नहीं है। फिर भी नेट गेन तो नेट गेन अच्छा खासा है, फिर अगर ये 42 प्लस पे हम खड़े हैं। बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें कि मार्केट अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव खबरें आ जाती हैं ये सस्पेंडेड कंपनीज़ को वापस बोर्ड पे ले आते हैं और तो मेरा ख्याल है कि मार्केट आपकी धरने वरने में भी मुझे तो मेरा ख्याल अच्छा, है धरने के बारे में अभी मुझे एक साहब ने से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू टेक ए ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, एक उस तरह का धरना नहीं होगा कि वो जैसे कादरी साहब पहले करते रहे या इमरान साहब करते रहे, ये लिमिटेड एक जगह दी जा रही है वहीं पे वो करेंगे और एक दिन में एक ही दिन में ख़त्म। तो कोर्ट हैज़ बीन सपोर्टिंग दी गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज आपने देख लिया उस इन धरनों का कितना नुकसान हो चुका है मुल्क में। वाई शुड द पीपल ऑफ पाकिस्तान सफ़र सो मच फ्रॉम एक्ट्स ऑफ फ्यू पीपल? अच्छा वो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे धरने उसमें भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि वन डे होना चाहिए, PTI का तो एक्सटेंडेड, तो उनकी जो बात थी वो ख़त्म हो गई, PTI पीपल्स पार्टी वाली बात प्रिवेल कर गई, तो इट शुड नॉट बी अ वेरी बिग इशू मेरा ख्याल है। आफ्टर कमिंग ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन और ये रिस्टोरेशन ऑफ पेस एंड सम अदर कंपनीज जिसका आप बता रहे हैं 3 लाख वाला, ये थिंग्स शुड गेट बेटर इन कमिंग डेज। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में मेरा ख्याल है कि आपने ऑप्टिमिज्म देख ही लिया किस तरह मार्केट स्पीड में ऊपर आई थी, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ तो है। लोगों को गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उनकी पॉलिसीज़ बेहतर नज़र आ रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई बंदा है पहली दफ़ा मिनिस्टर बना कोई, हारून अख्तर साहब रेवेन्यू मिनिस्टर, सो वन मैन ओनली हैज़ टू फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव रेवेन्यू। अच्छा आपको ये पता ही है, हम सबको पता है कि रेवेन्यू की गुंजाइश इस मुल्क में कितनी है और अभी कलेक्शन क्या हो रहा है, ना होने के बराबर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दुबई, नो टैक्स इन दिस कंट्री। 8 लाख आदमी टैक्स देता है 20 करोड़ में से डायरेक्ट।
डायरेक्ट, बाकी तो आप लोगों से छीन लिया जाता है, आपको तो आपके इख्तियार में है कि आप रोक सकते हो टैक्स, जो सैलरी आती है उसमें से कट जाता है, आप टैक्स पे कर दिया, जो चीज़ आपने कौन सा टैक्स, जो चीज़ कंज्यूम करते हैं उसमें टैक्स लगा, उसमें भी लगता है, हर चीज़ में लगा टैक्स, तो आपके इख्तियार में तो कुछ नहीं है ना, गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी पे 33% टैक्स लगा हुआ होता है, बताइए ड्यूटी टैक्सेस के, एक लोकल गाड़ी में 33% तो टैक्स है, तो टैक्स तो इस तरह तो ले ही रही है गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले पाती, 8 लाख से ऊपर नहीं जाता, हाँ तो टैक्स बेस बढ़ा रहे, टैक्स बेस बढ़ा, किधर टैक्स बेस बढ़ा रहा भाई, हाँ अभी एक साहब आए हुए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो करके गए, फॉर्मर बैंकर, कहने के साहब डिफेंस में जो रहता है वो 5.5 लाख रुपये का तो सिर्फ पानी पीता है हर साल टैंकर का, बट एंटीएन नहीं होता उसका, उसके एक एक बच्चे एक लाख पर मंथ के स्कूल में जा रहे होते हैं, 3-4 बच्चे तो आप निकाल लीजिए कि 48 लाख 50 लाख का तो वो दे रहा है, एनटीएन नंबर नहीं होता, तो ये कह रहे थे कि यहाँ तो मतलब एक इससे पैराडाइज फॉर कलेक्टिंग टैक्स, ऑल यू हैव टू डू इज रिमूव दी अनसर्टेनिटी, ये जो मतलब विल होना चाहिए कलेक्ट करने का, अदरवाइज इनको पकड़ लें आप, बिल्कुल भाई हाउ कैन यू स्केप, कि आप समझ साहब इतने बड़े घर में रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, समझ साहब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, समझ साहब के पास 10-10 बंदूक के लाइसेंस हैं, 50 गाड़ियां खड़ी हैं उनकी, और टैक्स है ही नहीं, इनकम ही नहीं, गरीब आदमी, समझ साहब जो अभी फिलहाल बात की बात कर रहा हूँ, अभी जो एक सिक्योरिटी कंपनी में कर रहा है उसमें से जो बेचारा कमाता है उसमें से अच्छा खासा कट के आता है पैसे, वो गरीब आदमी बिठ रहा है, तो गरीब ही टैक्स दे रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ अच्छा अमीर अमीर क्यों हो रहा है, इसलिए कि उसको उसमें से कुछ कट नहीं रहा, आप अमीर इसलिए नहीं हो रहे कि जो कमाते हो, और बाकी बेचारे ये दे देती हैं कंपनीज दे देती हैं टैक्स, इसमें भी ज़्यादा तो गवर्नमेंट की कंपनीज से आता है टैक्स, बड़े रेवेन्यूज वाली कंपनीज ये हैं वरना बैंक्स है, बाकी देखें तो आप कहाँ, और इतनी जो कंपनीज है वो कहाँ टैक्स, सब लॉस डिक्लेयर करके बैठ जाती हैं आराम से, ऑडिटर ठप्पा मार देता है ठक्स, नो प्रॉब्लम, ये तो अगर थोड़े से निज़ाम को बेहतर किया जाए तो यहाँ बड़ी गुंजाइश है, बहुत बहुत ज़्यादा गुंजाइश, इन द मीन टाइम जहाँ तक हम जो अब हमारा तो फोकस इन कंपनीज पे है ना, आज ही मैं रेट देख रहा था कि इंश्योरेंस की, सॉरी इंश्योरेंस कह रहा हूँ, सीमेंट के शेयर्स इतने नीचे आए हुए हैं, ये जो पावर कंपनी उनका क्या काम है, आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, वो तो फिक्स रेट पे काम करते हैं, देखिए इसमें लोग थोड़ा सा इसको हाँ गलत समझ लेते हैं, देखिए पावर कंपनीज के की दो किस्म की अर्निंग्स, दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक तो पहले एक तो ये वो जो पावर कैपेसिटी लगाते हैं ना उसकी एक उनको एक अर्निंग मिलती है, जो कि गवर्नमेंट जैसे 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 25 साल तक उनको पेमेंट आनी है, चाहे गवर्नमेंट उनसे पावर ले या ना ले, ठीक है। दूसरी उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है फ्यूल कॉस्ट, और फ्यूल कॉस्ट जितनी उनको फ्यूल उसके अंदर पावर प्लांट में लगता है गवर्नमेंट उसको उनके हिसाब से पेमेंट कर देती है। अब अगर गवर्नमेंट ने फर्नेस ऑयल पे प्लांट चलाना बंद कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई पावर प्लांट ख़त्म हो गए, वो कमाएंगे ही नहीं भाई, उनको उनकी कैपेसिटी की पेमेंट तो मिलती रहेगी, उससे वो डिविडेंड देते हैं। फ्यूल कॉस्ट हंगामा हुआ कि जी वो रिन्यू नहीं होगा इसलिए वो खत्म हो गया। देखिए कैपको का ये है कि कैपको क्योंकि 25 साल होने वाले हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 25 साल क्योंकि होने वाले हैं तो अब गवर्नमेंट रिन्यू करती है, किस रेट पे करती है, इसलिए उसका रेट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उसको भी रिन्यू कर लेगा। 1800 मेगावाट का प्लांट आप ऐसे ही बंद कर दोगे? नहीं नहीं बिल्कुल उसको रिन्यू हो जाएगा वो, और बाकी भी जितने प्लांट हैं वो भी लोग समझ रहे हैं कि वह बंद हो गए कोई पैसे नहीं आएंगे उनके पास, ऐसा नहीं होगा, उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलती रहेगी। तो ये जो बाकी जैसे सैफ है या इस तरह के और जो है ये आप इन पर देख रहे होंगे इनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, वो इसी वजह से आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनसे पावर लेना कम कर दिया है, कुछ से बंद कर दिया है कुछ से कम कर दिया है क्योंकि वो LNG पे चले गए, लेकिन इनको अपने हिसाब से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं LNG पे, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मगर कैपेसिटी प्राइस पे भी उनको मिलती रहेगी, उनको मिलती रहेगी, जीरो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ये देख के थोड़ी की थी कि गवर्नमेंट एक दिन उठ के कहेगी कि भाई LNG में चाहिए हमें आपसे नहीं चाहिए, तो उन्होंने तो इतने बड़े बड़े प्लांट लगा लिए, तो ये थोड़ा लोगों का मिसकंसेप्शन अच्छा खासा होता है। जी बिल्कुल अच्छा वही होता है जिसमें से डिविडेंड हमेशा आता है वही पैसे होते हैं, वो तो कॉस्ट होता है बेसिकली, बाकी जो फ्यूल आता है फ्यूल के पैसे आप उसको बिल कर देते हैं गवर्नमेंट को। ये कितना परसेंट है सर? ये देखें कैपेसिटी तकरीबन 10-15% होता है, बाकी तो सारा फ्यूल ही होता है जो आता है और चला जाता है, उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। 10% तो ये कंपनियों को मिलता रहेगा 10-15% तक इरेस्पेक्टिव के चले ना चले, बिल्कुल। तो अगर किसी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुआ 10% रिटर्न तो उसका पक्का है ना? नहीं नहीं ये जो हमेशा जो अर्निंग्स आती हैं वो इसी के अंदर से आती हैं, इसी के अंदर से आती है। जी 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 बिल्कुल, तो इसको गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट अपनी गारंटी रिवोक कर देती है
तो वो फिर एक अलग कहानी, फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। गए हैं लोग, बिल्कुल पहले भी हुआ है, आपको कब हुआ था, आपको कब हुआ था, उसके बाद अभी आपने देखा कि कुछ सेकुलर डेट की वजह से, कौन सा ये जो जापान पावर, बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट, तो वो फिर, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसे करेगी प्लान में नहीं लग रही, क्योंकि अभी गवर्नमेंट हमारा कंट्री अभी एक डेवलपमेंट फेज में, और बाहर से इन्वेस्टर कोई आएगा नहीं, तो वो थोड़ी। और देखिए ना, अगर जिस तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट बात कर रही है 5.6 की, कुछ लोग और ज़्यादा की भी, 6 की भी बात हो रही है, तो डिमांड भी तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उस सिनेरियो में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती कि आपने प्लांट लगवाया और आप बैकआउट हो गए, तो वो मेरा ख्याल है हबको बैकआउट होगा तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है उसमें, बहुत बड़ा नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो पेमेंट करनी करनी है और बिजली भी नहीं आ रही, और अलग आपकी रेपुटेशन अलग ख़राब हो रही है, रेपुटेशन का इशू आ जाता है, तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ, तो वही मैं देख रहा था कि मैं सबसे कहता हूँ भाई, आप लोग कहते हैं किचन शेयर, मैंने कहा किचन शेयर से अच्छा तो ये जो पावर कंपनी जिसका आपने अभी कंफर्म किया कि 10% तो है ही, बिल्कुल ज़्यादा भी होता है, तो वो बेहतरीन किचन शेयर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस दे विल गेट दैट मनी इन डॉलर, इन डॉलर्स, तो डॉलर बढ़ता है तो उनके वो बढ़ती चली जाएगी, तो एक बड़ा स्मूथ स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो आता रहेगा आपको फॉर एवर, 25 साल के बाद देखा जाएगा। तो इसी तरह अगर आप देखें सीमेंट के शेयर कितने नीचे आए हुए इस वक्त, बिल्कुल सीमेंट तो बिक रहा है, सीमेंट जो रहा है, अभी आया दिसंबर का फिगर बहुत अच्छा फिगर आया, स्टील बिक रहा है, तो इस सब के शेयर्स को लोगों को बेचना नहीं चाहिए मेरा ख्याल में, मेरा ख्याल है कि मार्केट आगे जो है ना वो काफ़ी कहाँ तक बेहतर नज़र आएगी। देखिए मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन तक जो है ना मार्केट आपकी 47,000-48,000 टच कर लेगी। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है समझ साहब, अगर सेक्टर वाइज कोई आप रिकमेंडेशन करें, जैसे मैंने अभी 2-3 का जिक्र किया, आपकी कोई फेवरेट सेक्टर है जिस पे आप देखें? जिस एक तो 2-3 सेक्टर्स हैं जो कि बेहतर लग रहे हैं, एक तो इसमें एक पावर है काफ़ी नीचे आया हुआ है, उसको देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, दूसरा बैंक सेक्टर है वो सेफ है काफ़ी, हर चीज़ बैंक में उम्मीद है बेहतरी की। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आप देखें ना अभी वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, तो उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देख रहे हैं ये वो, तो डिस्काउंट रेट भी अगर आगे जाके थोड़ा सा बढ़ता है तो बैंक्स को ही फ़ायदा है। ऑयल इस वक्त बहुत ऊपर 62-63-64 पे मेंटेन कर रहा है, तो वो भी आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगी इनकी भी, फिर पे आउट्स अच्छे होंगे, तो वो भी मेरे ख्याल एक सेक्टर है जिसको देखना चाहिए। तो ये सेक्टर्स हैं, स्टील है, आप देखें स्टील लग ही रहा है, लग ही रहा है कितना, और जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना इस फील्ड के, जो मैं स्टील का भी शो करता हूँ, थावर साहब हैं या फजल जलील, वो उन्होंने उनको मैंने कहा कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि ओवर कैपेसिटी हो गई, उन्होंने कहा अभी जो एक्सपेंशन हो रहा है ना कुछ भी नहीं है, इसको 10 टाइम भी कर दो ना तो बिक जाएगा, बिक जाएगा। और सर प्रॉफिट मार्जिन इमेजिन इट, 35 रुपये का मिल रहा है स्क्रैप, और सरिया जो आम सरिया जो आप घर बनाने के लिए लेते हैं 97 पर केजी है, 62 रुपीज़ का गैप है, बहुत मार्जिन है, ऐसा प्रॉफिट तो दुनिया में कहीं नहीं होता, बोनांजा है। मैं कहता हूँ यार मेरे पास फैक्ट्री में 8 पाउंड के गैस है, मैं वहाँ भी स्टील बनाना शुरू कर दूँ, स्क्रैप लाऊँ और कन्वर्ट कर दूँ, बहुत मार्जिन है स्टील के अंदर, सीमेंट। और आपको मैं बताऊँ ये जो सरिया जो ख़रीदने जाते हैं ना, ये अमरेली और ये जो इस तरह की कंपनीज हैं, ये 2-2 महीने पहले एडवांस पैसे लेती हैं, यानी कि दे हैव ओवरसोल्ड, ये ओवर टाइम ही नहीं है, फिर भी लोग इन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐसी है, क्वालिटी अच्छी है, इंपोर्ट में भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती ये इनका तो, लेकिन ये है कि तो फिर ये प्राइस कोई अमरेली लेके या मुगल लेके या आयशा लेके ऐसे लॉस कर सकता है। एक साहब ने फोन किया इंटरनेशनल स्टील को भेज दूँ, मैंने कहा क्यों भेज दो, वो तो 35 रुपये का माल 150-150 रुपये में बेच रहा है, एंगल कह के फ्लैट कह के, भाई गाड़ियाँ बन रही हैं, फ्लैट तो चाहिए ना, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल वो शहरोज भी कह रहा है मैं भी 4 बिल की गाड़ी बनाऊंगा, 1.7 बिलियन लगा रहा है भाई, यूनाइटेड बना रहा है, कह रहा है जून में ले आऊँगा, पता नहीं कैसे जून में ले आएगा। तो ये तो रेस लगी हुई है गाड़ी बनने की, मोटरसाइकिल्स आपके मुल्क में 10 लाख बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टील वालों को कैसे नुकसान हो सकता है, ऑटो तो आप देख ही रहे, डिमांड ही डिमांड, ऐसे ही पीट रहे हैं ऑटो वाले, तो ये सब होने के बाद भी अगर लोग घबराएं तो गलत बात है। आपकी इन्वेस्टमेंट तो पावर कंपनी में, वहाँ पे तो आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, ये स्टील वाला 62 रुपये पर केजी कमा रहा है, सीमेंट 47 से घट के 37 ग्रॉस मार्जिन, दुनिया में कहीं ग्रॉस मार्जिन 37% नहीं होता, 5% बहुत होता है,
असल में लोगों ने इतना अच्छा टाइम देख लिया ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा टाइम वो 47 क्यों नहीं है? 47 नहीं होता यार, कभी सस्टेन नहीं होता, वो बढ़ गया था, 37 भी बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। यही होगा जब 30 आएगा ना, लोगों को लगेगा भाई 37 ही अच्छा था, 37 बड़ा अच्छा था। भाई 30 भी नहीं होता, 37 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 20 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 5 होता है। तो आप लोग खुश रहो इस पे। नाज़रीन, ये समर साहब की बात भी आपने सुनी, और उनका ये कहना था कि ये जो क्लॉज यूज़ किया जा रहा है बहुत ही गलत किया जा रहा है। 3 लाख रुपये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जहाँ पर अरबों की इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ करोड़ों लोगों का इंटरेस्ट हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में 3 लाख के लिए क्यों बंद होता है? कोई खैरात मांग लो, इधी उधी से दे देगा, कहीं से ले लो यार, मगर बंद नहीं करो प्लीज़। बहुत लोगों को तकलीफ़ हो गई है। और ये जो आपने पेस के साथ किया, ये तो एक बड़ा क्लासिकल केस बन गया। आई विल आस्क स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स टू स्टडी दिस केस। और मैं तो ये जो पेस के मालिकान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है आप जाके इसके ऊपर केस करें, फाइंड आउट कि हु इनिशिएटेड दिस, वाई दे इनिशिएटेड दिस, वाई अस्करी बैंक बिकेम एन एकम्प्लिस इन दिस थिंग। अस्करी बैंक पे 50 करोड़ 100 करोड़ का आप वो मांग लें जी, हरजाना मांग लें, क्योंकि आपको रिपूटेशन को डैमेज किया फॉर ए मेयर अमाउंट ऑफ 32 करोड़, विच इज़ नथिंग कम्पेयर टू द सिक्योरिटीज विच दे होल्डिंग। सिक्योरिटी की वैल्यू कम से कम 100 करोड़ तो होगी, क्योंकि जब 150 करोड़ की लोन दी गई थी, TFC दिया गया था, तो कम से कम इन्होंने 200 करोड़ तो रखा ही होगा। बैंकों का तो स्टाइल है पाकिस्तान में, फ्री लेंडिंग तो हम करते थे जो अब नहीं करते, और विदाउट एनी सिक्योरिटी, सिर्फ बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज एंड प्रोजेक्टेड इनकम हम लेंडिंग करते थे। उसमें बड़ा दिल में दर्द भी होता था, मज़ा भी आता था। यहाँ की लेंडिंग में तो कोई मज़ा ही नहीं, इसीलिए बैंकिंग नहीं की, छोड़ दिया। कोई मज़ा नहीं था कि सिक्योर्ड, वो सो कॉल्ड खुशहाली बैंक कहता है सोना लाओ पैसा ले जाओ। अभी एक जानने वाले ने अपनी बहन के जेवर रख के उससे कर्जा लिया है। उस आप बोलो कि खुशहाली बैंक बैंकर है, मैं मानूंगा ही नहीं कि वो बैंकर है, इज़ नॉट ए बैंकर। वो सोना बेच के भी लगा सकता था फैक्ट्री में। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।